इस खबर के प्रायोजक हैं मोनार्ड यूनिवर्सिटी, ओम कॉन्वेंट स्कूल, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, कोरल मार्ट व धनीराम शर्मा स्मृति IIEM हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में फेरीगंज रोड स्थित कचहरी के प्रांगण में जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी 2024-2025 के सदस्यों व पदाधिकारियों ने ली शपथ। हापुड़ जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों को बीते बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य चुनाव अधिकारी संदीप कुमार त्यागी ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि जनपद हापुड़ के मुख्य न्यायाधीश मलखान सिंह थे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि जनपद के मुख्य न्यायाधीश मलखान सिंह का अधिवक्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। वह उनके साथ ही वहां पर मौजूद सभी न्यायाधीशों का फूलमालाएं पहनाकर स्वागत भी किया गया और फूलों का गुलदस्ता भी देकर स्वागत किया। हापुड़ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कंसल व सचिव वीरेंद्र सैनी ने शपथ ग्रहण समारोह में अपने अपने क्या विचार रखे सुनते हैं। और समारोह के विशिष्ट अतिथि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य जय नारायण पांडे ने अपने विचारों में क्या कहा उनको भी सुनते हैं। सभी अधिवक्ता भाइयों को मैं और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच पर बैठे परिवार के मुखिया माननीय जिलाध्यक्ष साहब, MACT के प्रिंसिपल साहब, और बार के चुने हुए आपके प्यारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी और पूर्व अभी कुछ क्षण पहले अब एक शब्द और जुड़ गया, थोड़ा सा पढ़ गया पदवी, वो पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री हो गया। और सामने बैठे हापुड़ जिले के और तहसील से आए सभी अधिवक्ता भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं और बहनों को प्रणाम करता हूं। और अच्छा लगा कि इस नई कार्यकारिणी में बहने भी शामिल है और इस पूरी नई कार्यकारिणी को मैं बहुत बधाई देता हूं। और बधाई के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मेरा हापुड़ में पहला आगमन है, शायद इसके पहले मैं नहीं आ पाया था। मैं लखनऊ में, लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मैं आपकी नई कार्यकारी और पूरी कार्यकारी को विशेष रूप से खालिद भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा जो बार काउंसिल के आपके यहां से प्रत्याशी भी हैं, जो ये अवसर दिया और मुझे बुलाया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपको। हमारे जिलाध्यक्ष साहब और न्यायिक अधिकारियों को, माननीय न्यायिक अधिकारियों की मैं बातें सुना और इस बात से आश्वस्त हो गया हूं बात सुनने के बाद कि यहां की जुडिशरी बहुत अच्छी है, यहां अधिवक्ता और जुडिशरी में सामंजस्य अच्छा है। मैं इसके लिए मैं जिलाध्यक्ष साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक परिवार के मुखिया के रूप में हमारे जितने अधिवक्ता भाई हैं आप इस पर ध्यान देते हैं और आप और कृपा बरसाए रहे। मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपकी मुस्कुराहट और आपका अच्छा व्यवहार, आपका कीर्ति यश तो बढ़ता ही बढ़ता है जिलाध्यक्ष साहब, इसमें अधिवक्ताओं का भी यश बढ़ता है। जब आप मुस्कुरा के कोई आर्डर करते हैं, जब मुस्कुरा के बातें करते हैं तो दूर दूर तक ख्याति होती है और उसके बाद अगर मुकदमा खारिज भी हो जाए तो भी मुस्कुरा के वकील कह के जाता है कि चलो इसमें गुंजाइश नहीं थी।
और हमारे अधिवक्ता भाइयों का सम्मान इस बात में बढ़ जाता है कि पीछे बैठा क्लाइंट ये कहता है जज साहब तो उनको जानते हैं लेकिन कुछ ऐसा कोई पॉइंट नहीं था तो शायद इसीलिए नहीं दे पाए, तो वो भी कहता कि वकील मेरा बढ़िया अपनी बातें तो रख लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनरेबल जस्टिस अब तो रिटायर हो गए इम्तियाज मुर्तजा साहब थे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, लखनऊ बेंच से प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे और अपील में मैं क्रिमिनल की वकालत करता हूं और सर्विस मैटर का कि बार काउंसिल के सदस्य पूर्व उपाध्यक्ष श्री जय नारायण पांडे जी, जिला जज एबीसीटी, हमारे न्यायिक अधिकारीगण, मेरे बार के सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता, मेरे साथी कनिष्ठ अधिवक्ता, महिला शक्ति, पुलिस प्रशासन से उपस्थित सभी अधिकारीगण, एसडीएम साहब, पत्रकार बंधु, सबको मेरा नमस्कार। आपने जिस तरह जिस प्यार के साथ मुझको इस पद पर बिठाया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ईश्वर ने तो पहले कदम शपथ लेते ही जिला साहब ने बता दिया उपलब्धि आरंभ हो चुकी है, यह वर्ष उपलब्धियों का रहेगा। आज शपथ लेने के बाद ही जस्ट 10-5 मिनट बाद ही हमारी उस जगह की रजिस्ट्री करने जिस साहब जा रहे हैं स्वयं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और मैं ईश्वर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पहले कदम पे ही मुझे मंजिल दिखाई देने लगी कि एक नई कोर्ट की आस जी वो दिखाई देने लगी। अगला कदम होगा बहुत जल्द साहब के सहयोग से जल्दी पैसे का व्यवस्था कर उसमें निर्माण कार्य कराना। साथियों ये तो वास्तविकता है, सभी का कहना भी मैं सुन रहा हूं, श्री शर्मा जी भी कह गए कि हम लोग काम करने आते हैं, काम करने आते हैं और क्लाइंट हमारे पास आता है वो चाहता है न्याय मिल जाए, परंतु कभी हड़ताल की वजह से वो भी निराश होता है और न्याय में भी लेट होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सभी को, अनावश्यक एक भी हड़ताल नहीं होगी इस वर्ष, परंतु अगर मेरे किसी वकील को कोई भी ठेस पहुंचती है, उसके आत्मविश्वास पर ठेस पहुंचती है, तो हड़ताल नहीं सब कुछ करने के लिए हर समय तैयार रहूंगा। और जुडिशरी में वर्क करने की जहां तक बात है, मैं आप लोगों के मेरे सभी अधिवक्ता जुडिशियर के सर कोर्ट में सम्मान के साथ काम करेंगे और उसी तरह उन्हें सम्मान मिले यह मैं आपसे आशा करता हूं। और जस्ट साहब हमेशा सहयोग की भावना के साथ हमारे साथ जब से आए हैं पूर्ण सहयोग अधिवक्ताओं का करते रहे हैं और कभी कोई समस्या होगी तो मैं आपसे वादा करता हूं सबसे पहले उस समस्या में मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपके द्वारा, मेरे द्वारा और जो अधिकारी और हमारे अधिवक्ता सीनियर हैं उनके द्वारा समाधान हो, हड़ताल ना हो, ये मैं जरूर कोशिश करूंगा। और आपका अपने साथियों का उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सभी लोग नाश्ता करके जाए, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप वोट दिया है और जिताया है, मैं सब प्रसन्न, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए बिल्कुल पूर्ण तन मन धन से कार्य करूंगा और सभी के मान सम्मान को बढ़ाऊंगा और जहां तक न्यायिक अधिकारीगण है उनके साथ सहयोग पूर्ण रहेगा और पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करूंगा। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद जय संविधान।
take a chance, say.